मेरे प्रिय तैयार हो जाओ, अगले 3 दिनों में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। आप जो चाह रहे थे प्रकृति वह देने को तैयार है। इस शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए 444 लिखें। आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलता हुआ देखेंगे। जो खुशी आपके भीतर अंकुरित हो रही है वह विशाल वृक्ष के समान आपको फल देने को व्याकुल है। ये ब्रह्मांड आपके जीवन में एक नई खुशबू उड़ेलने को तैयार है। मेरे बच्चे, यूनिवर्स ने आज आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए चुना है। इसे प्राप्त करने के लिए 333 टाइप करें। इस क्षण में आप अपने हृदय की गहराइयों से मुझसे ही बात कर रहे हो और मैं आपकी हर बात पर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। इसका प्रमाण यही है कि आप यह संदेश पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आप सदैव दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं। इसी कारण कई बार आपने अपने जीवन में त्याग किए हैं। कभी अपने करियर को छोड़ा तो कभी अपनी खुशियों को। फिर भी अक्सर आपके वही अपने आप को दुख देते हैं और आप स्वयं को इस दुनिया में बिल्कुल अकेला समझकर अपने आंसू मुझसे भी छुपाने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, क्या तुम स्वयं को मुझसे अलग समझते हो? मेरे बच्चे, मैं वह विशाल वृक्ष हूँ जिसकी हर एक शाखा में अनेकों ब्रह्मांड विद्यमान हैं और प्रत्येक जीव किसी ना किसी ब्रह्मांड से संबंधित अर्थात मेरी ही शाखा का अंश है। फिर तुम और मैं अलग कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी वेदना और दुख सर्वप्रथम मुझे महसूस होती है, इसलिए तुम्हारा दर्द मुझसे अलग कैसे हो सकता है? आज मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ और वह आशीर्वाद है, जब तुम अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके और गुरुजनों को याद करते हुए जो इच्छा मुझे समर्पित करोगे वह शीघ्र पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद का प्रयोग तब करना जब तुम्हारे सामने कोई विकल्प ना दिखाई दे। मानव की सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से होती है। अपने अंदर बैठे हुए राक्षस से, इसलिए जिसने उसे पराजित कर लिया वह विश्व विजेता बन जाता है। मेरे बच्चे, जो परमपिता परमेश्वर रूपी वृक्ष से प्रेम करता है उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रेम
अपने आप मिल जाता है। तुम्हारे यह गुण मुझे बहुत पसंद हैं। तुम्हारे मन में हमेशा दूसरों के लिए आभार और दया का भाव रहता है। तुम्हारे हृदय में माँ का वात्सल्य विद्यमान है, भले ही तुम किसी भी शरीर में उपस्थित हो। तुम अपनी खुशियों को दूसरों में बांट लेते हो, परंतु अपने दुख को किसी से साझा नहीं करते। तुम्हारी आंतरिक दुनिया दूसरों की सोच से परे है, इसलिए तुम साधारण होते हुए भी विशेष हो। मेरे बच्चे, अगले 3 दिनों में कुछ अद्भुत घटित होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन के नए अध्याय को प्रारंभ करने का कारण बनेगा। तुम संघर्ष की बेड़ियां तोड़कर सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे। जिस शांति और स्वतंत्रता को तुम खो चुके थे, वह तुम्हें मिलने वाली है। आज वह दिव्य द्वार खुलेगा, जहां से आशीर्वाद की वर्षा होगी। इसे वही प्राप्त करेंगे जिनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होगी। यदि आज रात सपने में तुम्हें कुछ विशेष संकेत या दर्शन प्राप्त हो, तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा हुई है। मेरे बच्चे, आज की शक्तिशाली ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपने मन को एकाग्र और विचारों को शुद्ध करो। नकारात्मक शक्तियां बार बार आपके मन में भय और दुविधा उत्पन्न करेंगे, किंतु आप उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें और क्रोध को नियंत्रण में रखते हुए उन सभी को क्षमा करें जिन्होंने आपको शारीरिक या मानसिक पीड़ा दी है। भले ही वह क्षमा के योग्य ना हो, किंतु आपकी आध्यात्मिक उन्नति और इस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए यह करना अति आवश्यक है। अपने मन को स्वच्छ जल की तरह साफ करें, ताकि आप पूरी तरह आज इस ऊर्जा में भीग सकें और अनंत सफलताओं को प्राप्त करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको अचानक बहुत बड़ा धन लाभ हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर के सारे संकट दूर हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको आपका सच्चा प्यार मिले। मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मुस्कान बनी रहे और आप दूसरों के लिए सहायता श्रृंखला बने। प्रतिदिन दिव्य मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए मुदिता स्पिरिचुअलिटी चैनल को सब्सक्राइब कर अपना मूल्यवान सहयोग दें।